मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज क्या होता है। चलिए मैं पहले आपको ये बता देता हूँ मेल मर्ज यूज़ कहाँ करते हैं। मेल मर्ज का यूज़, जैसे सपोज आपके पास एक इनविटेशन लेटर है जो आपको अपने सभी फ्रेंड्स को भेजना है। लेटर तो सेम होगा, बस आपके फ्रेंड्स के नेम अलग अलग होंगे। यानी अगर आपको एक सिंपल लेटर मल्टीपल रेसिपियंट्स को भेजना है और आप चाहते हैं कि हर एक रेसिपियंट्स को जो लेटर मिले उस पर उनका नाम हो, तो आप इस तरीके का मेल अगर टाइप करेंगे तो आपको हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मेल टाइप करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास एक एमएस वर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है मेल मर्ज, जिसकी मदद से आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना होगा और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको ये मेलिंग टैब्स के अंदर जाना होगा। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये मेलिंग टैब्स होता है आपके यहाँ, आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, इसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे टिक करना हो क्लिक करना होगा। चलिए तो हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक आसान रास्ते से चलते हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज बताया जाएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपके इस साइड में मैं जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको आता है कि आपको क्या सेंड करना है। चूंकि मुझे सबको एक लेटर सेंड करना है, इसीलिए मैं सबको लेटर वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। और इसके बाद मैं क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू पे क्लिक करने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग, यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा है कि टोटल इसमें 6 स्टेप्स लगेंगे, आपको इन स्टेप्स को 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करिए। अब आप नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ रहा है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्टर टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। चूंकि मैं अभी यहीं पे एक नया सेम जो विंडो खुला है उसी डॉक्यूमेंट को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यूज कर लेता हूँ क्या यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। चलिए यूज द करेंट डॉक्यूमेंट पर मैंने क्लिक सेलेक्ट, ये आपका सेलेक्टेड है और तो मैं इसी को टिक रहने देता हूँ। और फिर नीचे ऑप्शन है नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करिए। अब आपके सामने फिर एक ऑप्शन खुला है कि यूज एन एग्जिस्टिंग रेसिप एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपके आपके पास पहले से लिस्ट बना हुआ है तब तो ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप आउटलुक यूज करते हैं तो आपके पास वहां से भी आप कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चूंकि मैं मान के चलता हूँ कि अभी मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है और मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस वाले ऑप्शन को यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नीचे ऑप्शन है क्रिएट का। अब मैं क्रिएट पे, चूंकि मुझे एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें मेरे जिनको जिनको मुझे ये लेटर भेजना हो उनकी डिटेल्स होंगे, तो चलिए क्रिएट पे क्लिक करिए। ये जैसे एक प्रकार से डेटाबेस ही बन रहा है। चलिए क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आपको इनमें से जैसे इसमें टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मैं अगर आपको सारे की जरूरत है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ की जरूरत है तो मैं इन सबको डिलीट करके अपनी नई लिस्ट बना लूंगा कि मुझे इसमें क्या क्या रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टमाइज कॉलम, ठीक है, तो इस कस्टमाइज कॉलम पे आप क्लिक कर दीजिएगा और इस कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप एक काम करिएगा, पहले से जितनी भी लिस्ट हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद हम अपनी नई लिस्ट बना लेंगे। तो चलिए एक एक करके डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट करिए, यस डिलीट, यस सारे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से लिस्ट बना लेंगे।
क्योंकि ये कुछ डिफॉल्ट लिस्ट हैं। चलिए डिलीट कर लीजिए, और डिलीट करने में टाइम लगेगा। चलिए अब लास्ट डिलीट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नई फील्ड अपनी ऐड करनी है, तो अब आप ऐड बटन पे क्लिक कर दें। मैं चाहता हूँ मेरे इस फील्ड में उस जिनको भेजना है उनका नेम रहे, फिर उसमें मैं चाहता हूँ कि उनका सिटी रहे, और फिर मैं चाहता हूँ उनका पिन रहे। अब आप जो जो चाहते हैं वो डाल सकते हैं, मैंने इनका डाला, ठीक है। आप और चाहे तो ऐड कर लीजिए, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। अब आप ओके बटन पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको देखिए यहाँ पे आपकी लिस्ट आपके अकॉर्डिंग आ गई। अब आपको इसमें एंट्री ऐड करनी है, मीन्स पहले आपको एक लिस्ट बना लेंगे कि किनको किनको ये लेटर भेजना है। तो चलिए न्यू एंट्री पर क्लिक कर दीजिए। न्यू एंट्री पर क्लिक करने पर सॉरी पहले इसमें भर लीजिए, उसके बाद न्यू एंट्री पर क्लिक करिए। मान लीजिए मैंने इनका नाम रख दिया राम, इनको भेजना है लेटर, ये रहते हैं गोरखपुर में। पिन इनका है मान लीजिए 273001 है, फिर एक है श्याम, ये रहते हैं दिल्ली में, इनका पिन कोड है 222222 मान लिया। फिर एक और एंट्री में ले लेता हूँ मोहन, ये रहते हैं मान लीजिए लखनऊ में, मान लीजिए इनकी एंट्री है 11। अब मैं लिस्ट तैयार कर लिया, आपको और ज़्यादा ऐड करना आप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं आप। ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई। इस लिस्ट को एक नाम से सेव कर दीजिए, मेरी चूंकि एड्रेस लिस्ट है इसलिए मैं एड्रेस लिख देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया, अब देखिए हमारे पास जिनके नाम थे वो सारी चीज़ें आ गई और जो डिटेल हमने फिल किया था। अब आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारे पास लिस्ट तैयार हो गई है। अब हमको अपना नेक्स्ट स्टेप है अपना लेटर टाइप करना है। चलिए ये मैं हटा देता हूँ पहले से। तो चलिए अब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आप अपने लेटर में जनरली टू टाइप करते हो। टू टाइप करने के बाद आप चाहते हो कि यहाँ पर आपके फ्रेंड्स का नाम आ जाए, तो आप यहाँ पे मोर आइटम जो है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे जो मोर आइटम है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो जो डेटाबेस में ऐड किया था लिस्ट बनाई थी वो सारी फील्ड्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आप यहाँ से नेम को इंसर्ट कर लीजिए। नेम को इंसर्ट करने के बाद अब आपको लगता है कि नहीं आपके पास सिटी भी होनी चाहिए नेम के नीचे, तो आप अगेन मोर आइटम पर क्लिक करिए और यहाँ से सिटी भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे पिन भी होना चाहिए यानी फुल एड्रेस होना चाहिए, तो आप यहाँ से मोर आइटम पे अगेन क्लिक करने के बाद पिन को इंसर्ट कर लीजिए। पिन को इंसर्ट करने के बाद अब आप अपने लेटर को स्टार्ट करिए। तो सपोज आप लिखना चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड का नाम लिखना चाहते हो, फिर अगेन नाम चाहिए आपको तो नेम इंसर्ट कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्लीज शेयर एंड वॉच माय वीडियो। मैं यहीं पे इतना भी फिनिश करना चाहता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या है, आपने ये लिख लिया, अब आपको प्रीव्यू और योर लेटर्स पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करिए और लास्ट स्टेप है जो इस पर है नेक्स्ट कंप्लीट द मेल मर्ज, तो आप अब इस पर क्लिक करना है आपको। आप कंप्लीट द मर्ज को क्लिक करिए और अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आया है आपके सामने, जरा देखिएगा ध्यान से। एक प्रिंट का ऑप्शन है और एक एडिट इंडिविजुअल लेटर का ऑप्शन है। प्रिंट का मतलब होता है कि आप अपने लेटर को तुरंत प्रिंट करना चाहते हैं, और एडिट करने का मतलब आप अभी डॉक्यूमेंट के रूप में सेव करना चाहते हैं, हो सकता है फ्यूचर में प्रिंट करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं अभी एडिट इंडिविजुअल लेटर पर क्लिक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूँगा आपके सामने, मैं प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और मैं जितने भी रिकॉर्ड्स मैं सबको भेजना चाहता हूँ इसलिए मैं ऑल पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ रिकॉर्ड पर कुछ लोगों को भेजना हो तो आप फ्रॉम
में सेलेक्ट करके हमारे 5 to 10 मतलब जो लिस्ट में आपके 5 से 10वें नंबर तक है कि उनको जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अभी सबको भेजना चाहता हूँ, तो मैं सब पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए मेरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया। अब देखिए मेरे पास 3 पेजेस हो गए यहाँ पे, और पहले में राम गोरखपुर उनका नाम देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए। और फिर अगेन दूसरे पेज पे चलेंगे आप तो श्याम का आ गया, तीसरे पेज पे चलेंगे आप तो मोहन का आ गया। अगर आप यही काम नॉर्मल लेटर टाइप करते तो आप सोचिए अगर आपके पास 100 लोग हों तो कितना टाइम लगेगा आपको। इस मेल मर्ज टूल से हमारे टाइम की बचत होती है और हम एक बहुत अच्छा लेटर तुरंत लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।